19 मई को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत के बाद पहली मर्तबा ईरान कल्चर हाउस ने यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें सामने आई है उसी हवाले से हम जो है यहाँ के जो काउंसलर है ईरान कल्चर हाउस के जो काउंसलर है फरीदुद्दीन असद साहब से बात करते हैं। फरीदुद्दीन असद साहब, ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किस लिए कन्वीन की थी? इन कॉन्फ्रेंस में बात ही अच्छे हदफी बरगुजार कर दी थी। ما در آستانه ارتحال حضرت امام هستیم و همینطور حادثه بسیار مهمی مثل شهادت آیت الله رئیسی و وزیر امور خارجه و همراهانشون رو داشتیم و همینطور اتفاقی مثل نامه مهم رهبر ایران به جوانان دانشجو در آمریکا. به نظر رسید که خوبه که در کنار اصحاب رسانه باشیم و درباره این مسائل با همدیگه گفتگو بکنیم. सबसे पहले तो इमाम खमेनी की बरसी करीब है, उनकी रहलत की बरसी करीब है और उस सिलसिले में हम लोग हर साल प्रोग्राम करते हैं। एक तो ये बहुत अहम फैक्टर था, दूसरे हालिया दिनों में जो इस तरीके से ईरान के सदर जमहूरिया की शहादत हुई और वज़ीर ख़ारजा के साथ, ये एक अहम मौजू था जिस पर आप लोगों के साथ बैठ के बात करना थी। और तीसरे ये कि आयतुल्लाह खामेनेई का जो ख़त अमेरिका के स्टूडेंट्स के नाम आया है, ये तीन अहम बातें थी जिस बुनियाद पर मुझे लगा कि मुझे तीनों ही मौजूदात पर बैठ के आप लोगों से बात करनी चाहिए। ये जो ख़त आया है, ये ख़त जो ख़त भेजा है आयतुल्लाह खामेनेई ने रहबर आज़म ने, उसमें क्या ख़ास बातें हैं नामे के खिताब दानिशवान अमरीकाई निकात मुहिम शो मुख्तसरन बाज़गोई फरमाद। خب مهمترین نکته این هست که ایشون خطاب کردن به دانشجویان که شما در سمت درست تاریخ ایستادید و تاریخ در حال ورق خوردن هست و جریان مقاومت در برابر استکبار و ظلم اسرائیل در حال گسترش و رشد هست و امروز دیگه در نقاط مختلف جهان صدای مظلومان فلسطینی به خوبی میشنویم، قابل شنیدن است. इस खत के जो बहुत अहम पॉइंट्स हैं, उनमें पहला नुक्ता ये है कि उन्होंने अमेरिकी स्टूडेंट्स से खिताब करते हुए कहा कि आप तारीख के दोराहे में से सही समत पे खड़े हैं कि जो हक़ का साथ और मजलूमों का साथ है आप उसी तरफ खड़े हैं, आप सही डायरेक्शन में खड़े हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जो तारीख का वरक है वो पलटने वाला है और दुनिया में मजलूमों की आवाज़ की रीच बढ़ी है और ज़ालिमों के तहीं जो है वो नॉन अलाइनमेंट की जो मूवमेंट है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जो इतना बड़ा हादसा हुआ सानिया का है 19 मई के बाद, लेकिन ईरान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेकाम नज़र नहीं आया, इसकी क्या वजह है? हादसे भी मजूरगी रुखदाद व दर ईरान हिच को ने خدشه‌ای مسائل مملکت‌داری دیده نشد، علت اساسی چی هست؟ سه دلیل رو میتونم ذکر بکنم. دلیل اول ساختار محکم سیاسی است که ما در قانون اساسیمون پیش بینی کردیم و این مانع از هر گونه تزلزلی در این اتفاقات میشه. در واقع قانون به خوبی پیش بینی کرده که اگر یک همچین اتفاقی بخواد بیفته چطور باید در واقع به سرعت رئیس جمهور جدید انتخاب بشه. نکته دوم رهبری مدبرانه و داهیانه رهبر معظم انقلاب هست که ایشون به خوبی در چنین شرایطی در واقع به عنوان ولی فقیه مسائل رو اداره میکنن و این به مردم آرامش میده. و نکته سوم که از همه مهمتر هست، مسئله حمایت عموم مردم از نظام سیاسی ایران هست که این باعث این آرامش در میان جامعه خواهد بود. یه تین باتیں ہیں دراصل، ایک تو وہاں کا جو کنسٹیٹیوشن ہے ایران کا، جو آئین ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کی کبھی ایمرجنسی کے حالات ہوں تو ملک کیسے چلے گا، پہلے سے اس میں بات مینشن کی گئی ہے۔ دوسری بات، فارچونیٹلی ہمارے ملک کے ساتھ ایک ایسے عظیم قائد کی سربراہی ہمیں حاصل ہے के जिनकी तदबीर, जिनकी बसीरत जो है वो किसी भी तरह के क्राइसिस से मुल्क को निकालने में हमेशा कामयाब रही है। तीसरी अहम बात यह है कि जो अवाम का, ईरानी अवाम का अपने हुकूमत के तहत जो फेथ है और जो उनका साथ है वो भी एक बहुत बड़ा अंसर है जिस वजह से इस तरह के किसी भी क्राइसिस में मुल्क आसानी से जो है वो उदाबार हो जाता है। आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सेन, वेरी नेचुरल, ये
आप आयतुल्ला खुमैनी की बरसी मना रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में मना रहे हैं, आप खुद सभी जानते हैं कि एक बड़ा हादसा हुआ है, तो क्या ये मुतासिर हुई है, जो सरगर्मियाँ हैं क्या ये मुतासिर हुई है इससे? आया बरनामे में से मरासम सालगर्द इरतहाल इमाम तहत तस्वीर करार गिरफ्ते बखातर इन हादसे के अखीर रुख दे या ना? اتفاق خاصی نیفتاده، فقط این هست که طبعا مراسم امسال ارتحال امام همزمان در واقع به بزرگداشت و یادبود شهدای خدمت هم خواهد پرداخت. کہنے کا خاص اس کا ان پروگرامز پہ اثر نہیں پڑا ہے، بس یہ فطری بات ہے کہ اس سال امام خمینی کی برسی کے موقع پر ہمارے جو حالیہ دنوں میں جو صدر جمہوریہ، وزیر خارجہ اور ان کے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں، ان کا بھی تذکرہ ضرور ان کے ساتھ ساتھ ہوگا. शुक्रिया बहुत. थैंक यू वेरी मच. ये थे ईरान कल्चर हाउस के काउंसलर फरीदुद्दीन असर साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकासद थे, जिस लिए यहाँ पर तलब की गई थी, उसके बारे में बता रहे थे. और ये कह रहे थे कि इमाम खुमैनी की हर साल जून में बरसी मनाई जाती है और ईरान इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर जो है तकरीबात का इनेकाद करता है, तो उस पर कुछ हल्का सा असर पड़ा है, उनका ये कहना था. दूसरी बात ये कह रहे थे कि जो 19 मई का जो हादसा पेश आया था, जिसमें सदर जमहूरिया रईसी और वज़ीर ख़ारजा दोनों जो है अलमलाक क्या कहें उसको रहलत से दो चार हुए थे, जाँबाख हुए थे, उसके बावजूद ईरान का जो सियासी निज़ाम है, जो दस्तूरी निज़ाम है, कुछ इस तरह का है कि वो इस तरह के हादसात और सानहात को बर्दाश्त कर सकता है और उसके नतीजे में कोई सियासी वहाँ पर अदम इस्तेकाम पैदा नहीं हो सकता. ये ख़ास बात इस पर जो है वो रोशनी डाल रहे थे. एक और ख़ास बात ये, रहबर आज़म जो है ईरान के जो रहबर आज़म है, उन्होंने लेटर लिखा अमरीकी तलबा को, जो स्टूडेंट जो है गज़ा और फ़लस्तीन की हिमायत में वहाँ की जामियात में यूनिवर्सिटी में जो मुजाहरे कर रहे हैं उनकी हिमायत में, उनको जो है आगे बढ़ाते हुए उस सिलसिले में एक खत जारी किया बाज़ाब्ता और उनकी जो है तायीद और उनकी सताइश की. कैमरा मैन जीशान राय के साथ मैं.